मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज, खबर हिमाचल प्रदेश से। अपना बहुमूल्य सहयोग कोरोना काल में दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां। और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आज भी जब भी ये 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो हम उनको याद करते हैं और अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि हमें भी उनके जैसा चरित्र को बनाना है। तो आज हम अपने मन से उन महान सपूतों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, उनको याद करते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बहुत सारे लोगों ने इस देश को बनाने में, इस देश की रक्षा में अपने प्राणों को निछावर किया और अभी अभी गलवान घाटी में जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए उनको भी आज हम याद करते हैं और उनसे भी प्रेरणा लेते हैं कि इस देश के लिए सभी व्यक्ति कुर्बानी देने को तैयार रहे। आज के दिन हमें ज़रूरत है कि हम खुद भी स्वतंत्रता की जो लंबी लड़ाई है उसके बारे में ज्ञान हासिल करें और अपने बच्चों को भी इस बारे में ज्ञान दें कि 1857 की जो पहली क्रांति और जिसको कि पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा जाता है, उस समय से लेकर उसके बाद चाहे वो ट्राइबल लोगों का संघर्ष रहा हो, मजदूरों का संघर्ष रहा हो, किसानों ने लड़ाई लड़ी हो और उसके बाद जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है उसमें गरम दल नरम दल अलग अलग लोगों का अपना अपना तरीका, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक कि स्वतंत्रता प्राप्ति चाहिए, किसी भी रूप में हो, चाहे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हो या जिस तरीके भी हो। जैसी उस समय परिस्थिति थी उस तरह से लोग उस समय लड़ रहे थे। उसके साथ साथ फिर महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, उन्होंने असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, उनका एक अपना तरीका था जो कि ज्यादा लोगों को जोड़ता था। और इसके अतिरिक्त ऐसे भी बीच में लोग थे जिनको ये लगता था कि हमें और कोई तरीके